जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल, हेल्दी और टेस्टी। देखिए इसमें हमने डाला है शिमला मिर्च, बैंगन, बेबी कॉर्न, आलू, कांदा, मिर्ची, धनिया, सब कुछ हमने धोकर इसमें रख लिए गए। देखिए अब कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। देखिए हमने जीरा डाल दिया है, लहसुन, देखो लहसुन जैसे ही हमारा लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा, वैसे ही हमें वेजिटेबल डालना है, मिक्स वेजिटेबल्स। देखिए लहसुन का कच्चापन निकल गया, अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल से अब हम इसे चलाएंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे। देखिए हमने इसे चला लिया है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर हल्का सा क्योंकि मिर्ची हमने डाला हुआ है, और धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए मिलाने के बाद हमारी सब्जी का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि हमारा आलू पक ना जाए। देखिए अब हम इसे चलाएंगे, हमारे आलू अभी थोड़े पके नहीं हैं, पकने बाकी है। देखिए आलू पकने तक हम इस सब्जी को पकाएंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक तभी ऐड कीजिए जब सब्जी आपकी 40-50% पक जाए। अब इसे मिला लीजिए, देखिए हमारे आलू भी कट रहे हैं, आलू भी पक चुके हैं। देखिए इसे आप चपाती के साथ खाइए, बहुत बढ़िया लगेगा। इसमें जो लहसुन का फ्लेवर और धनिया की जो खुशबू, इससे तो खुशबू से ही पेट भर जाएगा। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, आप भी खाइए, घर पे भी बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स एंड फैमिली, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही खाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली, बाय बाय।